हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अलीगढ़ एनकाउंटर केस में फंसी पुलिस डीजीपी को भेजी एफआईआर से अलग रिपोर्ट। अलीगढ़ एनकाउंटर केस में नए खुलासे सामने आए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस केस की जो रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को भेजी है वो एफआईआर से जुदा है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर और डीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट्स में एनकाउंटर की अलग अलग थ्योरी बताई। 20 सितंबर को हुए इस एनकाउंटर में पुलिसकर्मी के जख्मी होने की दो कहानी बताई गई। डीजीपी को भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि थाना अध्यक्ष पाली मुकिमपुर प्रदीप कुमार को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारकर घायल कर दिया जब चेकिंग के दौरान बदमाशों की गाड़ी रोकी गई थी, जबकि एफआईआर में पुलिस ने प्रदीप कुमार के घायल होने की अलग कहानी बताई है। एफआईआर के मुताबिक प्रदीप कुमार को गोली खंडरों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में लगी। एफआईआर में कहा गया कि बदमाश नहर विभाग की खंडर पड़ी बिल्डिंग में घुसे हुए थे और जब पुलिस ने उन्हें बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की एक गोली श्री प्रदीप कुमार थाना प्रभारी पाली मुकिमपुर के बाएं पैर में घुटने से ऊपर लगी जिससे वो घायल हो गए। इतना ही नहीं, दोनों रिपोर्टों में मौके पर बरामद की गई चीजों की संख्या में भी विरोधाभास है। डीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट में बरामद किए गए 315 बोर के कारतूस के खोखे की संख्या 17 बताई गई है, जबकि एफआईआर के मुताबिक मौके पर 315 बोर का तमंजा एक खोखे के साथ मिला, 11 खोखे पास में पड़े मिले और एक 315 बोर की जिंदा कारतूस मिली। हालांकि पुलिस ने दो रिपोर्टों की बात से इनकार कर दिया है। अतरौली के सर्किल ऑफिसर प्रशांत सिंह ने कहा कि किसी को भी गलत या दो तरह की रिपोर्ट नहीं भेजी गई, सब जगह एक ही तरह की रिपोर्ट भेजी गई है। ये देखने वालों को लग रहा है कि दो तरह की रिपोर्ट भेजी गई। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।